नमस्कार, अब खबर बुलंदशहर से। बुलंदशहर क्राइम ब्रांच और सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते साल सिकंदराबाद में हुए बहुचर्चित अमित उर्फ सोनू हत्याकांड में एक साल से वांछित चल रहे 25,000 के इनामी सुपारी किलर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस की माने तो मैनपुरी निवासी पवन उर्फ पवनेश कुमार सुपारी किलर है, जिस पर बुलंदशहर एक साल पहले 25,000 के इनाम की घोषणा भी कर चुकी थी। वहीं मुखबिर की सूचना पर बुलंदशहर क्राइम ब्रांच और सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी की घेराबंदी कर ली। वहीं पुलिस के अधिकारियों की माने तो बुलंदशहर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली कि सोनू हत्याकांड में फरार चल रहा आरोपी इनामी सुपारी किलर सिकंदराबाद क्षेत्र में मौजूद है। क्राइम ब्रांच सिकंदराबाद पहुंची और आरोपी को घेराबंदी शुरू कर दी। सूचना पर सिकंदराबाद पुलिस की एक्टिव हुई और क्राइम ब्रांच और सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने गुर्जर चौक पर गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर बुलंदशहर पुलिस ने राहत की सांस ली है, जबकि बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तारी किए गए आरोपी को अब सलाखों के पीछे भेज दिया है। बुलंदशहर से एटीवी न्यूज़ चैनल के लिए प्रदीप पंडित की स्पेशल रिपोर्ट।